press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिस्कशन लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर सशक्त और शिक्षित बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सब समझ में आ चुका। ये बात तो बिल्कुल वही बात है कि एक कितना बेहतरीन सवाल उसने रखा, उसको किस तरह से बहुत, वो सोच रहे थे कि मैं चालाकी से एक बच्ची को नीचा दिखा के मैं शायद बहुत बहुत स्कॉलर, बहुत बड़ा और जो और ज्यादा मेरी दाढ़ी लंबी हो जाएगी और टोपी भी बहुत बड़ी हो जाएगी, पजामा घुटने तक पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि जब भी समाज की कुरीतियों को लेकर सवाल किया जाता है, उसको सही तरह से एड्रेस करने के बजाय ये लोग मतलब ऐसी जलेबी बनाते हैं। और ये पैटर्न हमें सब जगह मिलता है और चेंज विद इन द सोसाइटी तो कभी नहीं आता। सवाल कोई कर ले उसका जवाब नहीं मिलता, आखिर जो बदलाव करे उसके खिलाफ धरने हो जाते हैं। तो मतलब मुसलमान और इस्लाम का, मुसलमान समाज का कहना चाहिए, उनका तो बस अल्लाह ही हाफिज है, किस तरह से भला हो सकता है समाज का फिर? नहीं, अपनी अपनी असली शक्ल मुसलमान दिखाई तो रहा है। मैं कल ही देख रही थी डॉल्स का एक समिट देख रही थी, जिसमें ब्रिटेन में तकरीबन 7-8 जो है वो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए थे और डॉल्स अकेले बैठा, और डॉल्ज ने उनसे सिर्फ 7-8 सवाल के जवाब मांगे, वो प्रीचर नहीं दे पाए, उठ करके चले जाने लगे। उसके बाद क्योंकि वो ब्रिटेन था इसलिए आप भाग नहीं सकते, और आप अगर इनवाइट किए गए हो तो आप जवाब दो या फिर हार मानो या फिर कहो कि भाई जो आप कह रहे हो वो सच है। वो भारत तो है नहीं कि सारे कुत्ते भौंक सकते हैं आवारा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पूरे दुनिया में और पूरे पूरे पृथ्वी पर मुसलमानों का असली शक्ल और हिजाब उठता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान गलियों से भी सिविलाइज्ड आदमी और सिविलाइज्ड मुसलमान भी गुजरना बंद कर दे। इसी जाकिर नायक का मैं एक और पोल खोलूंगी, मैंने कुछ तस्वीरें भी आपको भेजी। एक तरफ वो यतीम बच्चियों के साथ खड़ा होने से मना करता है और कहता है महरम और गैर महरम। आप वो तस्वीर लोगों को जरूर दिखाइए, लेकिन दूसरी तरफ फिजा खान एंकर के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है, टीवी एंकरों के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिजा खान और टीवी एंकर पाकिस्तान की जो है वो भरी भराई है, इसलिए जाकिर नायक बैठने में गुरेज नहीं कर रहा है। और यतीम बच्चियां तो बेचारी 8 साल की थी, 11 साल की थी, तो जाकिर नायक महरम और गैर महरम बोल करके हट गया। मतलब क्या लग रहा था जाकिर नायक को कि इस बुढ़ापे में उसका सारा औजार बहुत काम कर रहा है क्या? 75-76 साल की उम्र में क्या लग रहा था जाकिर नायक को कि वो दुनिया को ये पैगाम पहुंचा रहा है कि ये जो यतीम बच्चियां उसके उस स्टेज पर आकर के उसको फेलिसिटेशन देने के लिए खड़ी हुई है, वो लोग उसको पसंद कर लेंगी, उस बदशकल आदमी को जिसको बात करना नहीं आता, वाँ 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 जो करते रहता है, जिसके ढंग से कोई सवाल और जवाब भी समझ में नहीं आती, करते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर नायक एक निहायत ही ठरकी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा, निकम्मा, जिहादी, आतंकी, भगोड़ा आदमी है। हर घर में आप देखना अंबर, हर घर में एक कचड़े का डब्बा होता है जो बाहर रखा हुआ होता है, चाहे हम बंगलों में रहें, चाहे हम अपार्टमेंट में रहें, चाहे हम कहीं पर भी रहें, पर हम कचड़े का डब्बा हमेशा बाहर रखते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से इस पृथ्वी का कचड़े का जो डब्बा है वो पाकिस्तान है, जिसमें अजहर मसूद नाम का कचड़ा, जिसमें उसामा बिन लादेन नाम का कचड़ा, जिसमें हाफिज सईद नाम का कचड़ा, जिसमें दाऊद इब्राहिम नाम का कचड़ा, जिसमें जाकिर नायक नाम का कचड़ा, ये सारे कचड़े उसमें टपक टपक करके गिराए जाते हैं। पाकिस्तान की इंतहा ऐसी हो चुकी है कि
कि अच्छा है कि ओसामा बिन लादेन मर गया और उसकी कोई उसकी सारी तस्वीरें वगैरह हटा दी गई है, लेकिन अगर ओसामा बिन लादेन आज भी अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान की करेंसी पर चांद सितारा नहीं होता, पाकिस्तान की करेंसी पर ओसामा बिन लादेन का तस्वीर होता। ठीक है। बहुत ज्यादा अचंभे और सरप्राइज वाली बात नहीं है, अगर ओसामा बिन लादेन उनको पैसा दे देते तो पाकिस्तान भी ये भी मुमकिन था। हाँ, अभी पाकिस्तान ने पैसा दिया है। मैं एक चीज आपको और क्लियर करूंगी, मैं मुझसे जब ये पूछा गया जाकिर नायक के बारे में तो मुझे एक्चुअली में बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगा, अमर एक सेकंड के लिए भी मुझे शॉकिंग नहीं लगा, और मैं वर्सेस के हिसाब से आपको बता देना चाहती हूँ ताकि लोग भी समझें। एक सेकंड ना, हाँ, जाकिर नायक यतीम बच्चियों को देख करके गैर महरम महरम बोल करके नीचे उतर गया, क्या आपके लिए शॉकिंग था अंबर? नहीं, इस्लाम के हिसाब से तो मतलब जो बच्ची एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन में हो है तो बस वो महरम महरम ही ना महरम का उस पे वो लागू हो जाता है। मेरे लिए भी शॉकिंग नहीं था। अब देखो, आप कुरान के सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 में आप जाइए जिसमें ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन अल कुरान सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 एक्सप्लेन दैट द प्रॉफिट मैरिज टू ज़ैनब वाज टू अलाउ टू मैरी द वाइव्स ऑफ देयर अडॉप्टेड सन आफ्टर द डिवोर्स। तो ये तो अलाउ है, ये तो अलाउ है, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, फूफा मर जाए तो फूफी से शादी कर लो, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, माँ के कजन भाई के बेटे से शादी, माँ के कजन भाई के कजन भाई से शादी कर लो, मैं भी थोड़ा सा ये हो जाती हूँ, तो माँ के कजन से, मतलब जो माँ के कजन भाई से, माँ के कजन भाई से शादी कर लो, तो ये तो कई हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, कुछ रील्स भी वायरल होते रहते हैं कि अरे ये तो मेरे मामू थे और मेरे मामू से मेरी शादी हो गई, मेरे वो पाकिस्तान की। तो मुझे लेकिन आश्चर्य मुझे सिर्फ इस बात का हुआ कि वो फिजा खान के साथ बैठ गया, वो महरम और गैर महरम नहीं थी, लेकिन वो जिस फ्लाइट पे आया था उसकी एयरहोस्टेस के साथ भी उनकी पिक्चर इनिशियली बहुत वायरल हुई जब उन्होंने ये हरकत की, उसके साथ भी बड़े हंस के बात कर रहे हैं ऐसे मुस्कुरा के जब वो फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं। वो महरम और गैर महरम नहीं थी, मतलब कि अंबर की इंटेंशनली उसने यतीम बच्चियों को बेइज्जत किया, इंटेंशनली उसने यतीम बच्चियों को डिफेम किया, डेरोगेटरी रिमार्क दिया, और यतीम बच्चियों को वो अपने ठरकबाजी का सामान समझ चुका था। क्या ही हो जाता अगर 80 साल की उम्र में वो 11 साल 12 साल 8 साल 9 साल की यतीम बच्चियों को पिता स्वरूप अब्बा जान के स्वरूप, पाकिस्तान वाला अब्बा जान नहीं भैया, वो सैया बन जाता है, हमारे भारत में जो सिविलाइजेशन है तो पिता स्वरूप अगर अगर खड़ा हो जाता, या क्लेरिक जो मुल्ला मौलवी क्लेरिक टाइप से अगर खड़ा हो जाता और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता, दुआएं देता, उनसे फेलिसिटेट होता तो क्या ही बुरा हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम तो नसों में है ना। अब आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं, 1% माइनॉरिटी है, अब मस्जिद के अंदर किसका रेप हो रहा है, मुसलमान बेटी का रेप हो रहा है, मदरसे के अंदर किसका रेप हो रहा है भाई, 18 रमजान, ये जो अभी हमारा रमजान गया है, 18 रमजान में पाकिस्तान में एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब ने एक लड़के के साथ अनल सेक्स किया है, तो मतलब ये इनके फितरत में शामिल है। पाकिस्तान में तो बहुत आम है ये मदरसों में, और ये बहुत बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट भारत में भी होता है सरी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मदरसे बहुत ज्यादा है तो इसलिए वहां पे ये सारी चीजें भी ज्यादा होती है। हाँ, हम अब ये नहीं, अब हम ये कहने के काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान में ज्यादा होता है। अच्छा, हमारे भारत में पहले भी होता था लेकिन वो उजागर नहीं होता था, अब क्या होता है कि अब उजागर हो जाता है, अब सारी चीजें हम बताएंगे, ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है, पहले क्या होता था कि हमारे मुंह को सिला हुआ रखना पड़ता था कि भाई कुछ नहीं बोलना है, मुसलमान नंगा नाच करे, बेटी को रेप कर ले, बहू को रेप कर ले, अपनी खुद की माँ को रेप कर ले, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलना है। अब क्या है कि अब हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और कानून इतना सख्त हो चुका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई किसी का नहीं छीन सकता है,
मेरे साथ जो हादसा हुआ उस पर कानून ने और अदालत ने बहुत खूबसूरत कार्रवाई की, पुलिस ऑफिसर से ही सवाल जवाब कर लिया कि आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे छीन सकते हैं, आप किसी का फंडामेंटल राइट कैसे छीन सकते हैं, और मैंने जितनी भी बात रखी उसको कोर्ट ने सुना है कि भाई मैंने गलत नहीं रखा है। मोहम्मद ओवैस ने रेप किया, मोहम्मद खैबर ने रेप किया, नासिर खान बलात्कारी है, अब उससे कोई मुसलमान लड़की सज धज करके माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके कबूल कर लेती है, तो मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि जाकिर नायक की जो बहू है वो भी भारत की ही मुसलमान लड़की है, मुस्कान जो अलकायदा के चीफ की रखेल थी वो भी भारत की ही मुसलमान लड़की थी, तो नासिर खान से अगर कोई ऐसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की लड़की अगर निकाह पढ़ लेती है बलात्कारी के साथ तो मतलब मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन मैं अगर इस बात को रख रही हूँ और मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस हो रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे पास तथ्य रहता है, मेरे पास सत्य रहता है और मैं कोर्ट को देती हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सच बोलने के लिए इंसान को एक कीमत तो अदा करनी पड़ती है, लेकिन कभी सच से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम लोग सच से पीछे हटेंगे तो फिर शायद लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, जो थोड़ी बहुत बची खुची है मुसलमानों की इज्जत वो भी चली जाएगी। नाजिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हम वापस एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमें पहले एक्चुअली करनी थी लेकिन वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन और इनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।